हमारा मौजूद है करनाल के सेक्टर 13 में स्थित स्मार्ट स्टेप्स एकेडमी में, और जैसे कि आपने लाइव तस्वीरों में पहले देखा कि किस तरह से डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही दामिनी, इसी एकेडमी की स्टूडेंट रही, और किस तरह से उसने अपना शहर का नाम और अपने स्कूल का नाम और खास तौर पर स्मार्ट स्टेप्स एकेडमी का नाम रोशन किया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। और जब उसे ढूंढते ढूंढते हम इस एकेडमी में पहुंचे तो आपने देखा कि दामिनी के साथ साथ अन्य तमाम स्टूडेंट्स भी यहां पर मौजूद है, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अंक लेकर किस तरह से अपने शहर करनाल का, अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का नाम रोशन किया है। तो कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी आपने तैयारी की और किस तरह से आपने एकेडमी से पढ़ा और कितने अंक प्राप्त किए, आप क्या कहना चाहेंगे? And I'm from Convent School and I have scored 96.4% aggregate. The credit entirely goes to my teachers, my parents and my brother, of course, who have supported me all through. And along with that, teachers have given us the syllabus and given us assignments, and they have made us, you know, literally do the entire work numerous number of times, which was really helpful for all of us and helped us to get such good results and be successful further. Thank you. आपने देखा कि कॉन्वेंट स्कूल के स्टूडेंट है जो इसी एकेडमी से पास आउट है, और किस तरह से आपने देखा कि बहुत ही अच्छे अंक लेकर यहाँ पहुंची है। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे स्मार्ट स्टेप्स एकेडमी के बारे में और कितने अंक आपको मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे? I score 95 in mathematics and 90 in science. And इसका जो पूरा श्रेय है मैं पीयूष सर को दूंगा, और हमारी पूरी स्मार्ट स्टेप्स अकेडमी के जितने भी टीचर्स हैं उनको, मेरे पेरेंट्स को और मेरे अपने हार्डवर्क को, जो मैंने लगभग पूरा साल मेरा रह गया, मैं सच बताऊँ पूरा साल रह गया, मैंने एंड में किया है, एंड में ही मेरे ज़्यादा अच्छे स्कोर आए हैं जो मैंने एंड में जाके किया। बस यही मैं सबको कहना चाहूँगा कि हार्डवर्क सही में की टू सक्सेस है, ये मैंने एंड में किया, इसलिए मेरे अभी रह गए हैं कुछ मार्क्स जो मैं आगे अचीव करूंगा। मैं अपने देख सकते हैं कि स्मार्ट स्टेप्स एकेडमी के ये तमाम स्टूडेंट्स हैं किस तरह से वे बताते हुए नजर आ रहे हैं कि इस एकेडमी से पढ़कर किस तरह से बहुत कम दिनों में, हालांकि उन्होंने अगर शुरू से तैयारी की होती तो शायद वह भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे होते। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, आप एकेडमी में कब से आप आ रहे हैं और किस स्कूल से आप हैं, क्या कहना चाहेंगे? I am from Dalsing Public School, Dalsing Colony, Karnal. I have scored overall 95.4% and 95 marks both in maths as well as in science. All the credit goes to my parents, my teachers as well as the faculty of Smart Steps. ये सारा कुछ उनकी वजह से हुआ है, जो हार्डवर्क उन्होंने करवाया है और जो हार्डवर्क हमने किया है, ये सब उनका श्रेय जाता है मेरा। और थैंक यू टू पीयूष सर, सोनल मैम, दे हैव ऑलवेज taught us टू कम्प्लीट द पेपर विद इन 2.5 hours और विद इन 2 to 2.5 hours. So they had made us efficient to do the paper. Thank you. I scored 98% in board. I scored 99 in maths and 95 in science. और मैं अपना credit जो अपने parents और teachers को देना चाहूँगी, because parents ने मुझे कभी pressurize नहीं किया, उन्होंने कभी नहीं बोला कि सारा time बैठ के पढ़ो, कभी activity वगैरह किसी में भी ध्यान मत दो। activities में भी उन्होंने मुझे participate करने को बोला है, games में भी वो मुझे लेके गए हैं, और studies में भी उन्होंने मुझे काफ़ी support किया है। पीयूष सर ने भी हमें काफ़ी motivate किया है, वो school में भी हमारे teacher थे और हम tuition में भी जब आते थे उन्होंने हमें 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में कंप्लीट करने के लिए हमेशा मोटिवेट किया है, और हमेशा हमने 2.5 घंटे के अंदर पेपर कंप्लीट किया है। बोर्ड में भी हमारा टाइम पे पेपर कंप्लीट हुआ है, 1 मार्क्स आई थिंक वो हमारे कटे हैं, वो सिली मिस्टेक्स की वजह से कटे हैं। बाकी स्मार्ट स्टेप्स अकेडमी बहुत अच्छी है, बहुत आपको सपोर्ट करती है। थैंक यू। तो ये आपने देखा, हम आपको बता दें कि करनाल के सेक्टर 13 में स्थित है स्मार्ट स्टेप्स एकेडमी। अगर आप भी चाह रहे हैं अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देना, हम आपको बताएं कि आपके लिए बेहतरीन इंस्टीट्यूट होने वाला है 9th और 10th क्लास में। हम आपको बताएं कि 1 जून से नए सेशंस भी यहाँ पर शुरू हो रहे हैं, और आपने देखा कि किस तरह से जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही OPS विद्या मंदिर स्कूल की जो छात्रा थी दामिनी, वो भी यहीं की स्टूडेंट रही, और तमाम ये स्टूडेंट जिन्होंने बहुत ही अच्छे नंबर लेकर किस तरह से अपनी अकेडमी का और अपने शहर करनाल का नाम रोशन किया है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। CBSE के रिजल्ट की बात की जाए तो उसे आए हुए 3 दिन हो गए, और वही अगर डिस्ट्रिक्ट टॉपर की बात की जाए दामिनी, जो कि OPS स्कूल की स्टूडेंट है जिन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया और मैथ्स और साइंस में 100 out of 100 गेन किए, अपने आप में बहुत ही खुशी की बात रही, जहाँ उनके घर वालों के लिए भी। वही हम आपको बता दें कि आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं स्मार्ट स्टेप्स अकेडमी में, जिसकी स्टूडेंट थी दामिनी, जहाँ से उसने अपनी मैथ्स और साइंस की 10th क्लास की कोचिंग ली, और केवल यही नहीं 100 में से 100 गेन करके उन्होंने अपनी और अपनी टीचर्स की मेहनत का फल जो है दिखाया है। तो दामिनी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, जो कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, उन
उनसे मैं एक बार ही जानना चाहूंगी कि आप कुछ वो कहना चाहेंगे। दामिनी, पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी, बहुत ही अच्छा स्कोर आपका रहा। तो आप क्या कुछ बताना चाहेंगे स्मार्ट स्टेप्स अकेडमी के बारे में, यहाँ पर किस तरह का आपको सपोर्ट मिला जो आपने इतना अच्छा स्कोर किया? यहाँ पर मतलब कोई भी डाउट होता था वो साथ साथ क्लियर होता था, असाइनमेंट्स मिलती थी, उनको सॉल्यूशंस भी मिलते थे, और अगर कोई भी डाउट होता था टीचर हमेशा साथ रहते थे, सारे टीचर्स एफिशिएंट और कोऑपरेटिव थे। दामिनी, अगर मैथ सब्जेक्ट की बात की जाए, बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है, चाहे फॉर्मूलाज लर्न करने की बात हो या किसी भी तरह से हो, तो आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेन किया गया कि आपने इतनी एफिशिएंटली जो है 100 out of 100 गेन किया है, तो क्या कुछ इस बारे में बताएं? मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, फ्यू सर पढ़ाते हैं तो मतलब वो ईजी भी लगता है जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं, और फॉर्मूलाज तो प्रैक्टिस करने से अपने आप याद हो जाते हैं, उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मतलब आप बच्चों को सजेस्ट करना चाहेंगी कि अगर वो लोग एक अच्छी एकेडमी ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए स्मार्ट स्टेप्स कितना अच्छा ऑप्शन है? बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैथ्स के साथ साथ साइंस भी बहुत अच्छा है, फैकल्टी टीचर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, वो मतलब बहुत हार्डवर्क करते हैं बच्चों के साथ, 5 to 6 hours कोचिंग भी देते हैं होल डेज में। तो जहाँ अगर बात की जाए स्मार्ट स्टेप्स एकेडमी की, जो अभी 3 साल पहले ही शुरू की गई थी, और अपने आप में 3 साल में इतना अच्छा रिजल्ट, जहाँ पहले भी 2 साल काफ़ी अच्छा रिजल्ट गया, वही इस बार की डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी जो है इनकी स्टूडेंट रही, अपने आप में बहुत ही सक्सेसफुल रिजल्ट्स इनके हैं। वही हमारे साथ यहाँ पर दामिनी के पेरेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे भी मैं एक बार बात करना चाहूँगी। सर, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आपकी बेटी ने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम, सबसे पहले तो मैं स्मार्ट स्टेप एकेडमी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो उन्होंने हमारी बेटी को इस मुकाम तक पहुँचाया, और हमारी बेटी ने हमारा पूरे डिस्ट्रिक्ट में, हमारा ही नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है। मैं चाहता हूं ऐसा बच्चा हर घर में पैदा हो। मेरे मतलब आंसू रुक नहीं रहे हैं, खुशी के आंसू कह सकते हो आप इसको, मतलब मैं फूला नहीं समा रहा हूं इस बात को लेके। और मैं बार बार OPS स्कूल का, मेनली OPS स्कूल में पढ़ाने वाले पीयूष सर जी, जिन्होंने स्मार्ट स्टेप अकेडमी चलाई हुई है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसी उन्होंने मेहनत की है, कभी सर ने दिन देखा नहीं, रात देखा नहीं, जिस टाइम भी फ़ोन किया उन्होंने हमारी हर तरह से हेल्प की है, असाइनमेंट्स में, होमवर्क में, कभी कोई डाउट में। हमारा बच्चा इतनी प्रेयर करता है, प्रेयर उनकी तारीफ़ करता है पीयूष सर की, स्मार्ट स्टेप अकेडमी की, कभी भी उन्होंने कभी ऐसा समझा नहीं भाई, जैसे उन्होंने एक बार बोल दिया तो अंदर ही चला गया जैसे, इस टाइप से। मैं चाहता हूं करनाल की नंबर 1 स्मार्ट स्टेप अकेडमी नंबर 1 हो। तो जैसे कि आपने देखा, दामिनी के पेरेंट्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, बहुत ही ज़्यादा खुश भी, वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश है कि उनकी बेटी ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, और आगे जैसा कि उन्होंने कहा स्मार्ट स्टेप एकेडमी की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा वो श्रेय भी उसको देते हैं, क्योंकि जिस तरह से साइंस और मैथ्स दोनों ही सब्जेक्ट्स बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाए जाते हैं। तो हमारी आप लोगों से यही अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ताकि सभी स्टूडेंट्स तक जो है ये खबर पहुँच सके जो लोग प्लान कर रहे थे 9th और 10th के लिए एक अच्छे अकेडमी का। तो हम आपको बता दें कि 1 जून से स्मार्ट स्टेप अकेडमी की भी जो है क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 9th और 10th के लिए मैथ्स और साइंस की। अगर आप लोग चाहते थे अच्छी एकेडमी में एनरोल करवाने के लिए, तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी एनरोल करवा सकते हैं, ताकि आप भी किसी अच्छे एनवायरनमेंट में सभी कंसेप्ट्स क्लियर करके अच्छे से पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स आगे अपने CBSE में गेन कर सकें। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। पेरेंट्स और बच्चों से बातचीत की, इस तरह से उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर यहाँ से रही, और साथ साथ जितने ही बच्चों ने अच्छा स्कोर किया उन्होंने पूरा श्रेय जो है अपने यहाँ की फैकल्टी, स्मार्ट स्टेप्स की जो फैकल्टी है उन्हें दिया, किस तरीके से उन्हें एक एक चीज़ समझाई जाती है, प्रॉपर टाइम दिया जाता है, सभी डाउट्स क्लियर किए जाते हैं अपने आप में, बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों का सहयोग जरूर किया जाता है। वही कुछ और बच्चे यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनके पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी मैं एक बार बातचीत करना चाहूँगी। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, कितना आपने स्कोर किया और आप स्मार्ट स्टेप्स अकेडमी को उसमें कितना श्रेय देते? मैंने 90% स्कोर किया है, और मैं इसमें पूरा क्रेडिट स्मार्ट स्टेप्स को देना चाहती हूँ। मैं इधर 9th और 10th से हूँ मैथ्स और साइंस के लिए। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी बच्ची ने बहुत ही अच्छा स्कोर किया, कितना आप इस चीज़ में? नहीं, मैं हम सेटिस्फाई हैं बच्चे से भी और स्मार्ट स्टेप से भी, क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग कैलिबर होता है, हर एक बच्चे को एक पेरेंट्स की तरह संभालना होता है, ट्यूशन पर भी, स्कूल तो है ही है। तो हमें 2-3 जगह मैंने ट्राई किया, बच्चे को वहाँ पे फिट नहीं बैठा, बच्चा कह रहा था मेरे को समझ नहीं आता, लेकिन यहाँ आने के बाद बच्चे ने काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच किया, अप्रोच देने के बाद रिजल्ट आप लोगों के सामने है। जी मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना अच्छा आपको लगा आपके बच्चे ने 90% स्कोर किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस किया गया, क्या कुछ? मैं अपने बच्चे से और टीचर से सेटिस्फाइड हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे बच्चे इतना मार्क्स लेके आया, और जैसे भी कोई डाउट्स वगैरह होते थे किसी भी टाइम बच्चे ने बोला, तभी टीचर्स ने बोला कि आप आ सकते हो बेटा, मतलब पूरा फुल टाइम अवेलेबल रहते थे। तो
तो मैम आप सजेस्ट करेंगे बाकी पेरेंट्स को जो अपने बच्चों के लिए अच्छी एकेडमी ढूंढ रहे हैं? बहुत अच्छा, हमें तो इतना अच्छा मिला कि शायद करनाल में हम मेरे बच्चे के लिए अच्छा है तो सबके लिए ही बहुत अच्छा होगा। तो जैसे कि आपने देखा सभी पेरेंट्स जो यहाँ पर आए उनका भी यही कहना था कि जिस तरह से उनके बच्चों पर फोकस किया गया, सभी उनके डाउट्स क्लियर किए गए अपने आप में, पेरेंट्स तो यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग किसी भी डाउट में हैं कि आपको अपने बच्चों को किस अकेडमी में भेजना चाहिए, आपके लिए भी स्मार्ट स्टेप्स अकेडमी बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। हमारे साथ यहाँ पर स्मार्ट स्टेप्स अकेडमी से भी मैम मौजूद है, एक बार मैं उनसे जानना चाहूंगी मैम क्या कुछ आप बताना चाहेंगे स्मार्ट स्टेप्स अकेडमी के बारे में, कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, क्या कुछ बैच न्यू स्टार्ट होने वाला है, क्या कुछ? हम स्मार्ट स्टेप्स में 9th और 10th क्लास मैथ और साइंस पढ़ाते हैं और 1 जून से नया सेशन शुरू कर रहे हैं और वी आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड दैट इस बार हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हमारी एकेडमी से रही है एंड ये सब उनका हार्डवर्क है, उनके पेरेंट्स का, जो स्टूडेंट्स का और हमारा जॉइंट, इट्स अ जॉइंट हार्डवर्क एंड देर इज़ नो शॉर्टकट फॉर हार्डवर्क, तो हार्डवर्क तो है ही है। यहाँ पर डेली असाइनमेंट्स, हम हर चैप्टर के साथ के साथ असाइनमेंट्स मिलते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं और टेस्ट में भी जहाँ पर बच्चे की गलतियाँ हैं, जो भी रह गया है जहाँ पर, साथ के साथ हम उसे कवर कराते हैं, अगले दिन ही दोबारा टेस्ट फिर से आप सॉल्व करो ताकि बच्चा कहीं पर भी ना रहे। और बहुत बारी रिवीजन, तो मेन हमारा फोकस रहता है कि सबसे पहले बच्चे के कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हों, बेसिक कंसेप्ट्स, एंड सेकंड थिंग इज़ के कंसेप्ट क्लियर होने के बाद वो रिवाइज करते रहे। हमने पेपर से पहले 5 या 6 बारी सिलेबस को रिवाइज कराया अपनी अकेडमी में सभी स्टूडेंट्स को एंड उसके बाद भी असाइनमेंट्स मिली हैं, टेस्ट हुए हैं और किसी का भी अगर कोई भी डाउट रहता है तो अलग से डाउट सेशन होते हैं सैटरडे को भी संडे को भी और उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, चाहे 2 घंटे लगे चाहे 3 घंटे लगे, हम हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहते हैं। बच्चे भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, उनके पेरेंट्स भी कोऑपरेटिव रहे हैं और इसलिए इतना अच्छा रिजल्ट आ पाया है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया स्मार्ट स्टेप एकेडमी की अगर बात की जाए, 3 साल पहले स्टार्ट हुई एकेडमी जहां 2 सालों से बहुत ही अच्छा रिजल्ट उन्होंने जरूर दिया, लेकिन वही इस साल डिस्ट्रिक्ट टॉपर जो है वो भी स्मार्ट स्टेप एकेडमी से रहा। तो हमारी आप लोगों से यही अपील है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जो भी जानकारी मैम ने अकेडमी के बारे में दी वो सभी पेरेंट्स तक, सभी बच्चों तक पहुंच सके। जो लोग अपने लिए एक अच्छी अकेडमी ढूंढ रहे थे उनके लिए स्मार्ट स्टेप्स अकेडमी बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन रह सकता है। उर्वशी चावला, कनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।